विंध्य क्षेत्र में व्याप्त बिजली व्यवस्था व जारी अघोषित बिजली कटौती से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में आज विंध्य पुनर्निर्माण के संरक्षण मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के आह्वान पर रीवा के युवा नेता प्रतीक शुक्ला के द्वारा कार्यपालन यंत्री विद्युत विभाग रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि समूचे विंध्य क्षेत्र में बिजली की भारी अव्यवस्था व्याप्त है। 15-15 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती हो रही है। जले ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं व मनमानी बिजली बिल जारी किए जा रहे हैं। इन सब से आमजन, किसान, व्यापारी, विद्यार्थी बुरी तरह से परेशान हैं। फसलों की गहाई चल रही है, परीक्षाएं जारी हैं। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से आमजन का जीना दूभर हो गया है, जिसके चलते युवाओं ने मांग करते हुए कहा कि विंध्य में व्याप्त गंभीर बिजली संकट पर तत्काल ध्यान देकर सरकार की घोषणा अनुसार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने एवं जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के साथ बिजली बिलों पर रोक लगाने के निर्देश दे। मांगों को लेकर किया गया है पूरे विंध्य प्रदेश में, हमारे विंध्य प्रदेश में जितने भी जिला है, जितनी भी विधानसभाएं हैं, तो बिजली विभाग का जो ये मनमानी का दौर है, इससे लोग पीड़ित होकर आज हम सब युवा इकट्ठा हुए हैं और हमारी ये मांग है कि इस ये जल्द से जल्द सुधर जाए, नहीं तो अब ये आंदोलन जो है बहुत विकट रूप ले लेगा। ये माननीय नारायण त्रिपाठी विधायक मैहर जी के आह्वान पे आज हम लोग ये कर रहे हैं रीवा में। कोई नहीं आया भैया, ये इतना त्राहिमाम का यहाँ पे दौर है, इतना त्राहिमाम की यहाँ स्थिति है कि अब आप लोग खुद यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं कि हम लोग यहाँ युवा आए हैं अपनी मांगों को लेकर और कोई एक अधिकारी यहाँ पे नहीं है जो हमारी बात सुन ले। करेंगे ही, बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे जब तक नहीं आएंगे तब तक बैठे रहेंगे। मुख्य मांगे हैं, ट्रांसफार्मर इनके पास है नहीं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो जस के तस पड़े रहते हैं, मीटर का पैसा ये लोग ले लेते हैं लेकिन मीटर लगाने के लिए इनके पास नहीं है, 12-12 घंटे 8-8 घंटे ये बिजली की कटौती करते हैं। कोई अगर इनके पास आता है बात लेकर, मनमानी बिजली का बिल, बिजली का बिल का भी एक बहुत बड़ा विषय है ना, बिजली का बिल तो अपने आप में खुद संदिग्ध बन के रह गया है कि बिजली विभाग के द्वारा जो बिजली का बिल दिया जाता है उसमें मीटर का शुल्क पहले से ही ले लिया जाता है, और जब आप मीटर का शुल्क ले लेते हो तो दोबारा फिर जब उसकी रिपेयरिंग होती है दोबारा पैसा क्यों लेते हो, तो इस पैसे का मतलब क्या है लेने का। तो बहुत सारे बिंदु हैं जिसपे हम लोग विरोध कर रहे हैं और इन बिंदुओं पे इनको सुधार करना पड़ेगा, नहीं इस तरह इनका चल नहीं पाएगा। मेरा नाम प्रतीक शुक्ला नीटू है।